इस हफ्ते दो जोड़ी हुई है नॉमिनेट, आखिर कौन होगा घर से बाहर, आइए बताते हैं आपको। हेलो एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, अब इस हफ्ते तो उर्फी निकली है घर से बाहर, और घर से बाहर निकलते ही काफी चीजें उन्होंने कही हैं और काफी ज्यादा हर्ट भी हुई हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उन्हें नहीं निकलना था। काफी अच्छी प्लेयर थी, काफी अच्छा टास्क कर रही थी, लेकिन अकेली पड़ गई थी। और उनका कहना है कि अकेले मैं क्या ही करती, मैंने अपना 100% दिया था, बट इट्स ओके, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनके फैंस जो हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा किए हुए हैं, और फैंस बोल रहे हैं कि उर्फी को वापस से बिग बॉस में देखना है। अब क्या होता है, बिग बॉस बात मानते हैं उर्फी की फैंस की या फिर नहीं? क्या आपको बता दें, इस हफ्ते दो जोड़ियां नॉमिनेट हुई है, जिसका नाम है रिद्धिमा पंडित और उनके कनेक्शन करण नाथ। तो वहीं एक और जोड़ी है जिसका नाम है जिशान और दिव्या। जी हाँ, ये दो जोड़ी में से कोई एक जो कंटेस्टेंट है वो इस हफ्ते घर के बाहर होगा। अब ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होता है कि कौन होगा ये घर के बाहर। और साथ ही आपको बता दूं कि रिद्धिमा पंडित जो है, हालांकि उनके बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है, उनके सारे पत्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं और अब धीरे धीरे जो है वो ओपन अप हो रही है। तो वहीं करण जो है वो अभी तक इतने ओपन नहीं हुए हैं, उनके सारे पत्ते अभी नहीं देखे हैं, यानी कि अभी लोगों को उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है और काफी ज्यादा ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर रहे हैं वो, और ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। क्या अगर बात करें दिव्या की, तो ये तो बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि दिव्या इतनी जल्दी तो बाहर होने वालों में से नहीं है, क्योंकि अभी इस हफ्ते ही उन्हें जो है विलन बना दिया गया था, और ये काफी ज्यादा सुर्खियों में भी बनी हुई है, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। खैर, आपको बता दूं कि जिशान जो है वो काफी बढ़िया तरीके से टास्क करते हैं। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे कौन सा कंटेस्टेंट इस घर के बाहर निकलेगा, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छे से टास्क कंप्लीट करते हैं। देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।